ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर में आज लगातार घंटों तक हुई बारिश से जहां जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, तो वहीं एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती नजर आई। पानी की निकासी न होने के कारण सहारनपुर शहर के कई मोहल्लों में जलभराव हो गया। इतना ही नहीं, बारिश के पानी से मोहल्लों और बाजारों की सड़कें नालों में तब्दील हो गई, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल सहारनपुर सिटी की स्थिति बदतर है, जिसके लिए बाकायदा सरकार ने शहर को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए नगर निगम को दिए भी है। बावजूद इसके आज नगर निगम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। घंटों की बारिश के बाद स्मार्ट सिटी सहारनपुर की सड़कें नाले बन गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के बाजारों और मोहल्ले में बारिश के बाद जलभराव हुआ है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा ही होता है। लोग न सिर्फ पैदल पानी के बीच नहीं निकल रहे हैं, बल्कि मुश्किल अपने वाहनों को भी लेकर जा रहे हैं। अब आप सहारनपुर की सड़कें देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी भी स्मार्ट सिटी होती है या सहारनपुर नगर निगम के अधिकारी सरकार के आदेशों और योजना को हवा में उड़ा रहे हैं। कैसा खड़ा हो गया बीच में, कोई दुकान का क्या हो रहा? नगर निगम में जाइए फोटो। अभी किसकी कमी है? और किसको? स्मार्ट सिटी के लिए पैसा आया हुआ है, लेकिन कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य। इसकी शिकायत आपने कभी किसी से पहले की? कई बार की, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई पूछ नहीं। क्या चाहते हैं आज्ञा? स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट होना चाहिए सब कुछ। मेन बाजार है, इतना पानी भर गया, इससे पहले भी बारिश आई है, बरसात आई है। हमारी दुकान में पानी भर जाता है, हमारे नुकसान होता है, उसका कोई देख रेख नहीं है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार हमने कंप्लेंट भी की है, लेकिन अब क्या चाहते हैं? स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट बनना चाहिए सब कुछ। सर आपका नाम? जलालुद्दीन सिद्दीकी। सर जैसे आज शहर में बारिश आई है, उसके बाद शहर पूरा जलमग्न हो गया, उसके बारे में बताइए। शहर में बहुत बुरा हाल है, पानी का इतना भराव यहाँ पर होता है कि आज हमारी यहाँ पर दुकान के तमाम दुकानदार जो हैं, ज़्यादातर दुकानों के अंदर तक पानी चला गया है और नाले पूरे अटे पड़े हुए हैं। तमाम सफाई कर्मचारी कोई सफाई ढंग से करने को लिए तैयार नहीं है। करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे सहारनपुर के अंदर आया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ दूर के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। दुनिया भर के टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। सर इसमें कमी नगर निगम की कही जाए, सफाई कर्मी किसकी कमी है? ये ऊपर से पूरा अमले की कमी है। अगर ऊपर से अमला अगर इस चीज़ को पूरे ध्यान दे, उसके जितने इंजीनियर्स वगैरह हैं, उसके सफाई कर्मचारी के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो सफाई कर्मियों से काम लेना चाहे तो काम कर सकते हैं, अगर कोई काम नहीं लेना चाहे क्यों करेंगे? जैसे आज हमने देखा है कुछ चौकीसराय शहर का मेन एक ऐसी ऐसा है, वहाँ पर जल भरा हुआ, जहाँ पे उसके बारे में बताइए। सहारनपुर के अंदर खास तौर से हमारा चौकी सराय और नखासा बाजार हमेशा सही रहा है, यहाँ पर इस तरह का पानी भरा जाता है पूरे चौकी सराय से और नखासा बाजार तक, सारे के सारे नाले अटे पड़े हुए हैं। कई बार यहाँ सफाई के लिए दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, कहा भी जा चुका है कि यहाँ पे नाले ठीक से बनवाए जाएँ, लेकिन कोई अभी तक नाले इसके तरफ कोई डिमांड किया आपके? हम ये चाहते हैं कि यहाँ की साफ सफाई अच्छी रहे, यहाँ पर कर्मचारियों को कहा जाए कि यहाँ पे सारे के सारे नाले की सफाई अच्छी तरह से की जाए, यहाँ जो कर्मचारी सुबह के आते हैं वो साफ सफाई अच्छी तरह से करें उसकी। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत।